शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शीतल एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? जी सर। मैंने पूछा क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? खुश हूँ सर, बहुत 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 खुश हूँ। तो फिर वो प्यारी सी मुस्कान कहाँ है जिसे देखते ही मैंने तुम्हें हंसते हंसते इस जॉब पर रख लिया था? ब्यूटीफुल। अरे डॉक्टर साहब रुकिए तो सही, क्या है? दिन भी आप जल्दी भाग गए थे और आपका और प्रेम का ठीक तरह से मिलन भी नहीं हो पाया। जितना हुआ काफी था। अरे डॉक्टर साहब, इतनी छोटी सी मुलाकात में आपने उसके दिल पे इतना बड़ा इम्प्रेशन किया कि पूछे मत। क्या? हाँ, आपके जाने के बाद आपकी नाम की माला जप रहा था वो। चेहरे पे क्या लाइट है, बॉडी कितनी टाइट है, वो तो आपका दीवाना हो गया और आपसे मिलना भी चाहता है। क्यों क्यों क्यों? कोई प्रॉब्लम है और आपके हाथों अपना इलाज करवाने के लिए बेकरार है डॉक्टर साहब, उसके लिए अपॉइंटमेंट लूं? हाँ लो। नहीं नहीं, बिजी हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रैम, मैनी अपॉइंटमेंट्स फॉर द डे। सर वही फिक्स कर रहा हूँ। सर मिस सक्सेना का फोन है, मैं उसको बता दूं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काम पे नहीं है। नो, कॉल हर, बुलाओ। क्या? हाँ, आज मैं उसे देखूंगा भी और उसकी बेचैनी और तड़प दोनों को वंस एंड फॉर ऑल मिटा दूंगा। लेकिन सर वो तो एवरेडी बैटरी है सर। इसीलिए तो बुला रहा हूँ, आज मैं चार्ज होने के लिए और करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। रामू, नो मोर डैड, गिव मी रेड। स्टॉप थिंकिंग अबाउट सेक्स सुब्रमण्यम, काम करो। सॉरी। वेंकटेश्वरा, सुंदरी को हमारे पास आने दो। नहीं भगवान, इसके मत सुनना, उसे मेरे पास लाना। ले ले, अब बैठे ना। थैंक यू सो मच। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक्चुअली मैं यहाँ आका हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना? एक्चुअली मैं पहली बार खुद खोल रही हूँ ना। अरे मैं तो रोज खोलता हूँ, आपको खोलने में खुशी खुशी मदद करूँगा ना मैं। थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर। अरे नो प्रॉब्लम, बस आप जरा ये फॉर्म भर दीजिए और शाम को आकर पासबुक और चेकबुक लेके जाइए। शाम को? ओह गॉड, एक्चुअली शाम को मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, यू नो, तो मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहूंगी। बिल्कुल अकेली? तो फिर आपको आने की कोई जरूरत नहीं, पासबुक और चेकबुक लेकर मैं घर आ जाऊंगा रात को। रियली? ऑफ कोर्स। हाउ स्वीट, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगे। अरे इसमें तकलीफ ही क्या बात है, ये तो हमारी बैंक की खासियत है, रूम टू रूम, सॉरी डोर टू डोर सर्विस। बस आप अपना एड्रेस दे दीजिए। ओह श्योर, व्हाई नॉट। थैंक्स। ओके प्रेम बाबू, हमारा वाइफ भी आउट ऑफ टाउन है। किसके साथ? You're right. वेंकटेश्वरा। आप अगर मुझे इतना अच्छा खाना खिलाएंगे तो मुझे हर रोज बाहर खाने की आदत हो जाएगी। वही तो मेरा इरादा है कि मैं रोज बाहर का खाना खाऊं, और अगर साथ में खाएंगे ना तो और भी मजा आएगा। आप कितने अच्छे हैं। और अकेला भी, आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी, मेरा अकेलापन दूर करना। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शीतल, जितने सपने देख लिया ना अभी देख लो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें ना ही सोने दूंगा और ना ही सपने देखूंगा। मैं बस यों गया और यों आया। Come on, Meet. You can do it. अरे मुझे तो लगा था इतने सालों की सुस्ती के बाद तूने संग पकड़ लिया होगा, लेकिन नहीं, you're still the best. Come on. यहाँ क्या कर रही है? इसने मुझे शीतल के साथ देख लिया तो मेरी जिंदगी का केबल कनेक्शन हमेशा के लिए कट जाएगा। भावमीत, टेबल के नीचे। जानू। मर गया मीत। जानू। जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही तो मैं तुमसे पूछने वाली थी,
तुम यहाँ? मैं तो वो बाथरूम जाने के लिए आया था ना, क्या है कि हमारे शोरूम का बाथरूम खराब हो गया, इसलिए यहाँ आया था। बहुत अच्छा बाथरूम है, वेरी गुड। वाह क्या बाथरूम। चलो अच्छा हुआ, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा क्यों? आई मिस यू नो जानू। चलो यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम? अच्छा मुझे तो बहुत बुरी सर्दी है। सर्दी? चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो कहीं ना कहीं। एक्सक्यूज मी सर, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका बिल? बिल? कैसा अजीब रेस्टोरेंट है, बाथरूम जाने के लिए बिल लगता है। बिल यहाँ नहीं, टेबल पर दो। टेबल पर दो बिल। क्या जानते हो तुम लोग, कहाँ नहीं जानते हो? जाओ टेबल पर बिल दो। तुम चलो ना डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम यहाँ क्यों आए? अरे जानते हो कितनी अच्छी हो तुम, जरा कितना ख्याल रखती हो। एक्सक्यूज मी मैडम, योर बिल प्लीज। बिल? बिल तो वो देंगे। कौन वो? तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हेलो डॉक्टर। हेलो, अब आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? बेटर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और होनी भी चाहिए, आखिर आप इतने फिट है, इतने चुस्त है। रियली? ऑफ कोर्स, जब शर्ट में से इतने कट्स नजर आते हैं तो बगैर शर्ट के तो आप। आइए लेटी ना, बैठी ना। श्योर डॉक्टर साहब, आज आप कोई भी कसर मत छोड़िएगा, जो कुछ भी करना है बस खत्म कर दीजिए। ऑफ कोर्स। वैसे क्या लग रही हैं आप, क्या फिगर मेंटेन किया आपने, कमाल लग रही हैं आप। कहाँ मेंटेन किया है, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं, छूकर देखिए ना, देखिए ना। मैं से मोटापा नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि नाउ देयर इज मोर ऑफ यू टू लव। सो स्वीट, आपको ना एक औरत के सारे राइट बटन दबाना अच्छी तरह से आता है, है ना? मुंह खोले। हाँ हाँ, हाय हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू। आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप जैसे ब्यूटी ड्यूटी के लिए मैं तो दौड़ा चला आया। रियली? यस। हाउ स्वीट, थैंक्स। ये रहा आपका पासबुक और चेकबुक। पासबुक अपने पास रहने दीजिए, चलिए बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम? हाँ, बहुत अच्छा बेडरूम है आपका, इतना रूम है, बेड भी है। हाउ क्यूट बेडरूम। बहुत गर्म है, मेरा तो बहुत नरम है आपका बेड। वो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी नाजुक हूँ, इसलिए मुझे ज्यादातर नरम चीजें पसंद है। नरम? सिवाय कड़क चाय के। यहाँ कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही? हाँ बहुत गर्मी है। तो कपड़े क्यों नहीं उतारते? क्या? रिलैक्स। और ये गर्मा गर्म दूध। मैं यूं गई और यूं आई। पियो ना। हाँ, हाँ, हाँ। अलग अलग है स्वाद इसके, स्ट्रॉबेरी पिस्ता और केले, दूध ही लेना है तो ले ले, दूध ले ले। टिंग टिंग टिंग। अंकल कैच। अरे यार कितनी बार कहा है कि मेरे पैर मत छुआ करो। आप नाराज क्यों होते हैं? बहुत थके लग रहे हैं। हाँ हूँ। मैंने आपके लिए गर्मा गर्म दूध तैयार रखा है, थोड़ा सा पी लीजिए। दूध? हाँ दूध, नया ब्रांड है, ले ले दूध। ले ले, अलग अलग स्वाद है, स्ट्रॉबेरी में तैयार किया है, दूध ले ले। मैंने कहा ना मैडम, एक बार जो चीज हमने बेच दी हम एक्सचेंज नहीं करते। शीतल जरा एक मिनट प्लीज। एक्सक्यूज मी वन सेकंड। गुड मॉर्निंग शीतल। गुड मॉर्निंग सर। मुझे तुमसे दो मिनट बात करनी थी। मैं कस्टमर के साथ जरा बिजी हूँ। अच्छा सुनो तो, फिर लंच टाइम में रेस्टोरेंट में चल के बात करें। आज मैं अपना खाने का डब्बा घर से लेकर आई हूँ, बट थैंक यू एनीवेज। अरे मेरी बात तो सुनो। ओह सॉरी। देखिए
आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। रियली सॉरी मैडम, मैं ये हार एक्सचेंज नहीं कर सकती। कर दो। जी सर। एक्सचेंज इट। लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी? हमारी कंपनी की सिर्फ एक पॉलिसी है, द कस्टमर इज जस्ट, आई मीन द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। जाओ बदल के लाओ। क्या है ना कि वो हार उतना कीमती नहीं है जितना कि आप। जी ग्राहक भगवान होता है ना, उसकी तो पूजा की जाती है। पूजा से याद आया, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूं तो कहीं आप मेरी बहन पूजा की सहेली तो नहीं? हाँ पूजा। हाँ आप पूजा के भाई। हाँ। कितने बदल गया तुम। तुम ही। मैं तो बिल्कुल वैसे की वैसे हूँ। जैसी भी हो कमाल की हो। तुम्हें याद है हम पिछले बार रॉकी के पार्टी पे मिले थे? रॉकी? हाँ याद है याद है। हाँ। और तुमने इतनी शराब पी थी कि तुमने अपनी पैंट उतार कर अपने हर एक कच्चे में स्विमिंग पूल में कूद लिया था। और तुमने इतनी उल्टी की कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कभी कभी हो जाता है ना। वो लड़की का नाम क्या? सपना। सपना? तुमने सपना की स्कर्ट और उसने कस के तुम्हें तमाचा मारा था और तुम्हारा गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था। क्यूट लग रहे थे। रियली आकाश, तुमसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। एक मिनट, आपको गलतफहमी हो रही है। इनका नाम आकाश नहीं मीत है। अगर इनका नाम आकाश नहीं तो मैं भी कोई पूजा वूजा की सहेली नहीं। जी जी हाँ। काफी इंटरेस्टिंग हो। थैंक यू। सी यू मोनिका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Wow, she's intelligent, she's hot, and she's strong. Hey, लगता है मैं तो गया। तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? Love Nest, Berry Cross Road, Bandra West. जब हार लेकर गई थी तो पता छोड़ गई थी। मेरी तकदीर अच्छी है नहीं? अंदर कैसे घुसे? आपके घर के बाहर जो वेलकम मैट है उसके नीचे आपके घर की चाबी है। Wow, what a welcome, madam. Shut up. तुम जानती हो इस तरह किसी के घर में घुसने का अंजाम क्या हो सकता है? Well, I'm hoping कि हसीन हो आपकी तरह। बाकी अब सब कुछ आपके हाथ में। और अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं तो? मैं तो खुद को आपके हवाले करने आया हूँ। आगे आपकी मर्जी। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है आप ऐसा नहीं करेंगी। मुझ पे इतना यकीन? आप पर भी और खुद पर भी। माना कि आप किसी पूजा वूजा को नहीं जानती लेकिन शायद पूजा के इस भाई को जानने भी लगेंगी और चाहने भी। कैसे कर लो तुम पर यकीन? कहीं छुरा वुरा दिखाकर मुझे लूट ले आते हो? मैं तो खुद यहाँ लूटने आया हूँ। फिर भी चाहो तो तलाशी ले लो।